हेलो नाज, फर्स्ट ऑफ ऑल आई वांट टू थैंक यू कि आप इतने अच्छे, इतने सेंसिटिव टॉपिक पे एक वर्कशॉप लेकर आए और आपने हमें ये अपॉर्चुनिटी दी इसका हिस्सा बनने की, ताकि हम अपनी हीलिंग कर सकें, अपने ब्लड लाइन को, अपनी जनरेशन को हील कर सकें। तो थैंक यू सो मच, इट वाज रियली इन्फॉर्मेटिव एंड वेरी पावरफुल वर्कशॉप। मुझे इससे बहुत क्लैरिटी मिली, बहुत सारे कन्फ्यूजन्स थे, बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिनके बारे में उतने हम क्लियर नहीं होते, या फिर बहुत सारे इनसिक्योरिटी, बहुत सारे डर होते हैं इस टॉपिक को लेकर। जैसे हम अपने ट्रेडिशन में फॉलो करते हैं ब्लड, जो भी हमारे श्राद्ध वगैरह होते हैं, बट उसको लेके उतनी क्लैरिटी नहीं होती। तो मुझे इस वर्कशॉप के थ्रू बहुत क्लैरिटी मिली, बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी जो मुझे पता नहीं थी, उन सब चीज़ों के बारे में पता चला। और ये एक ऐसी चीज़ है जो हर ब्लड लाइन में वुंड्स होते ही हैं और हर जगह ये प्रॉब्लम्स होती हैं, बट हम उतने एक्सेप्टेंस में नहीं होते उन चीज़ों के लिए। हमें पता होता है कहीं ना कहीं कि कुछ प्रॉब्लम है, बट उतना एक्सेप्ट नहीं कर पाते, क्योंकि ये पता नहीं होता कि उसके लिए करना क्या है, उसको कैसे ठीक करें। तो इस वर्कशॉप के थ्रू मुझे उन सब चीज़ों में क्लैरिटी मिली, साथ ही एक्सेप्टेंस आई कि हाँ, इसको ठीक, ये प्रॉब्लम इस वजह से एग्जिस्ट करती है और इसको ठीक किया जा सकता है और इसको मैं कर सकती हूँ ठीक। तो वो एक कॉन्फिडेंस आया। ओवरऑल मेरे लिए एक ऐसी वर्कशॉप थी जिसकी मुझे सच में बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी, जिसकी वजह से मेरे थॉट प्रोसेस में बहुत बड़ा चेंज आया, मेरे सबकॉन्शियस ब्लॉकेजेस रिमूव हुए, मेरे अंदर एक पैराडाइम शिफ्ट आया और मैंने अपने बहुत सारे कन्फ्यूजन्स को दूर किया, बहुत सारी क्लैरिटी आई, जिसकी वजह से मैं अपनी हीलिंग की जर्नी में और आगे बढ़ पाई, मैं अपनी स्टक एनर्जी से बाहर निकल पाई। क्लासेस की बात करूँ तो सारे टॉपिक्स बहुत ही रिलेवेंट थे, बहुत ही रिलेटेबल थे, और आपने उन्हें बहुत अच्छे से कवर किया, बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया। और मुझे आपकी एक चीज़ बहुत अच्छी लगती है कि आप सारी क्वेरीज़ को बहुत अच्छे से सुनते हैं, जो स्टूडेंट्स के एक्सपीरियंसेस होते हैं उन्हें बहुत अच्छे से सुनते हैं और उन्हें बहुत पेशेंटली उनका आंसर करते हैं, जिससे बहुत क्लैरिटी आती है। जो नोट्स थे वो टू द पॉइंट थे, इन्फॉर्मेटिव थे। मुझे ऑटो राइटिंग, ऑटो ड्राइंग वाला सेशन भी बहुत पसंद आया, और साथ ही आपने जिस तरीके से एंसेस्टर ओरेकल डेक को इस कोर्स के साथ कंबाइन किया, वो भी बहुत अच्छा लगा, बहुत ही रिलेवेंट लगा, और उससे और भी अच्छे इंसाइट्स मिले और क्लैरिटी मिली। तो मेरे लिए एक लाइफ चेंजिंग एक्सपीरियंस रहा। आई होप कि आप आगे भी इसी टाइप से अलग अलग अच्छे अच्छे टॉपिक्स पे वर्कशॉप लाते रहेंगे और हमें मौका देंगे उनका हिस्सा बनने का, ताकि हम अपनी हीलिंग में आगे बढ़ सके, अपनी ग्रोथ कर सके और आपकी भी ग्रोथ हो उनके द्वारा। तो थैंक यू सो मच, कीप ग्रोइंग, कीप शाइनिंग, गॉड ब्लेस यू, टेक केयर।